हल्का सा पैर फिसला तो सीधे खाई में जाऊंगा भाई। एक बोतल बड़ी वाली, बड़ी वाली अभी थी, छोटी थी। अब रे बड़े चालाक हो, वो बोतल खाली पड़ी थी। सामने आपका ठेका है, आपको बहुत भीड़ लगी है। बहुत अच्छा काम करते हैं, दुनिया को खुश रखते हैं, जिनकी जिंदगी में बहुत दुख भर चुका है। तो इसको छुपा कर लेके जाता भाई। जो पहाड़ से जो गांव से उनको पता होगा चूल्हे की रोटी और चूल्हे की सब्जी की जो बात है ना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से खूबसूरत से ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। इस टाइम पे मैं देवभूमि मतलब अपने उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में आ गया हूँ, अपनी नानी घर पे। आपका मौसम देख रहे हो आप, एक भी पहाड़ ऐसा नहीं है जो भाई बादलों से ढका हुआ नहीं है। एक भी पेड़ के ऊपर कोई पत्ता देखो आप, भाई सारे पत्ते पेड़ों से गायब हो चुके हैं। भाई ये सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ना पेड़ों के ऊपर से पत्ते झड़ जाते हैं। अब 2 महीने बाद ना इनमें नए नए कल्ले आएंगे, फिर यहाँ पे पहाड़ जो फल लगता है पूलम, खुमानी, आड़ू, सेब, संतरा सब कुछ यहाँ लगेगा। अभी ये टाइम है आपका सब्जियों का, मतलब मटर का टाइम है। सर खेत में देखो आप, नीचे नीचे आप खेत देख रहे हैं, सारे खेतों में आपको मटर लगा रखी साफ। मुझे लगा था कि आज मैं घूमने जाऊंगा, लेकिन यहाँ ना पूरा प्लान खराब हो गया। सुबह से बारिश चल रही है, आपको दिख रही है। और मैंने अपना ये हल्का हल्का लाइट वाला रेनकोट पहन भी लिया है। ये वाला जो सीजन है ना, इस टाइम पे आपका पहाड़ों में कुछ नहीं होता है। तो भाई ये देखो हमारा नींबू का पेड़ है, हमारे घर में ना नींबू लगे हुए इस टाइम। और आपने देखा होगा बाजारों में लोग नींबू को ना शाम के खाना बहुत पसंद करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नींबू शाम के खाने को, सन्ना वन्ना को जैसे बोलते हैं ना मेरे ख्याल। आज एक काम करूंगा नानी के साथ बैठ के ना, आज मैंने नींबू खाने के ना, हमारे मामा जी ने और नानी ने ना खेत में मटर लगा रखी है। ये देखो ये हमारी मटर की खेती भी कर रखी है। पहाड़ों में ना लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज सब लोग कमरे के अंदर क्यों सोए हैं, बारिश चल रही है, कोई काम कर नहीं सकता है। सबसे आपको मिलाता हूँ, ठीक। ये नानी वाला कमरा है जहाँ नानी सोती है। नानी देखो सर, मैं मुंह डाल के आराम से कंबल अंबल ओढ़ के सोई है। हेलो नानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आज क्या बात, सोए हो अभी तक? अभी तक जागा हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो रहे हैं। बढ़िया हो रहे हैं। एक आध बरंडी वरंडी का पैक मार लो, ठीक हो जाएगा। हाँ, बोतल मनाना जी कह रहे हैं, डायरेक्ट बोतल ही चाहिए। एक पैक है पूरा बोतल? फुल बोतल। बताओ जो चक लगता है। जो चक लगती है? चक लगती है। कच्ची वाली? नहीं, बांस वाली। नहीं बांस वाली? नहीं नहीं। फिर कौन सी वाली? खुशबू वाली। खुशबू वाली। चौनप्रास खा रहा हूँ, चौनप्रास से भी आती गर्मी। है मेरे पास एक बोतल बड़ी वाली है, बड़ी वाली अभी थी, छोटी थी। अब रे बड़े चालाक हो, बहुत चालाक है। तो कुछ नहीं, खाली खाली बोतल होती है, छोटी छोटी मोटी मोटी। पेप्सी की? नहीं, पेप्सी मेरे पास बोतल है, खाली पड़ी। देख कहाँ, दिखाओ जरा। यहाँ है। कहाँ है? बस एक पोपट हो गया मेरे साथ, पता है। मैंने वीडियो अपलोड पे लगाई थी, 2 घंटे से वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ना इंटरनेट ही नहीं आ पा रहा है। अब मुझे आसपास में ना कोई शहर होगा वहाँ जाना पड़ेगा। 2 घंटे से ना अपने फोन को यहाँ पर रख रखा है, आपका वीडियो अपलोड भी लगाई है, देखो आपका 20% भी नहीं हुआ अभी तक। क्या करूँ मैं, कहाँ ले आऊँ इसको? मुझे ना यहाँ से शहर जाना पड़ेगा। खाना नानी से तो मैंने आपको मिला दिया, अब मैं आपको मिलाता हूँ मामा और मामी से, क्योंकि आज ना कोई काम नहीं कर रहा है, सब घर के अंदर कैद है। भाई ये देखो, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हमारे मामा जी बिस्तर में है। अब उठते क्यों नहीं हो बिस्तर से? अरे बाहर ठंडा लग रहा है यार। और पहाड़ में ये दिक्कत तो है भाई, पहाड़ में क्या ना, अगर बारिश आएगी तो भाई, क्योंकि ठंडा ना बहुत ज्यादा हो जाता है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, वीडियो अपलोड नहीं हो रही, क्या करूँ? यहाँ कहीं पर नहीं से आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। पहले करते तो हम कुछ व्यवस्था करते, वाईफाई लगा लेते थे यहाँ पे। हमारे काउंटर अटैक, पहले कहते तो हम वाईफाई लगा देते। तो अभी आसपास में कोई मार्केट होगी ना, वहाँ जाना पड़ेगा। भवाली यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है। तो भाई मैंने बैग वैग पैक कर लिया, मुझे ना बाजार जाना ही पड़ेगा, बिना बाजार जाए काम नहीं होगा मेरा। सामने देखो भाई, नैनीताल की पूरी पहाड़ी ढक गई है। उधर ना स्नोफॉल भी हो गया था, सुबह सुबह दिखाई दे रहा था, लेकिन अब अभी चलता हूँ बाजार की तरफ। ओके बाय बाय बाय, टाइम से आइयो। टाइम से आऊँगा मैं फट। भाई चलते हैं यहाँ से बाजार की तरफ। देख रहे हो, आपको ना वीडियो टाइम पे देने के लिए ना भाई कितना संघर्ष करना पड़ता है, पहाड़ का जीवन सच में भाई। वो पहाड़ी बाइकर नमस्ते पहाड़, उन सब लोगों को जो डेली डेली ना वहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम आती होगी भाई साहब, वीडियो अपलोड करने में, इन सब चीज़ों करने में, पौन पहाड़ी भाई अपने घर से गाँव से, लेकिन टाइम पर वीडियो डालते हैं। मैं आज गाँव आया, आज ही मेरी वीडियो लेट होगी मुझे पता है, बट वीडियो आएगी ज़रूर, चाहे मुझे 1 घंटा जाना पड़े बारिश में भीगते हुए। सांस भूल गया। देवभूमि मैं पहाड़ों में रहने वाले लोगों को ना सलाम है मेरा यार, जो डेली कितने किलो वजन रखकर महिलाएं जंगल से लकड़ी लेकर आती हैं। फाइनली बाइक पर पहुंच चुका हूँ, हाँ बारिश से भीगी पूरी सीट यार। तो भाई जी मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल कर आ गया हूँ भाई, और रोड देख रहे हो, बारिश आने के बाद ना रोड पर इतनी रोड़ियाँ आ जाती ना भाई, चलाने में बड़ी दिक्कत होती है भाई साहब। और पता जल्दीबाजी में मैं अपना हेलमेट डालना ही भूल गया भाई, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। वीडियो को टाइम पर डालने के चक्कर में ना भाई जल्दीबाजी में हेलमेट भूल गया, और हेलमेट भाई घर पे रह गया। जी मैं आपका पहुंच गया हूँ एक मार्केट पे, और यहाँ पर आके मैंने अपनी वीडियो को ना अपलोड पे लगा दिया फटाफट से, 10 से 20 मिनट दिखा रहा वीडियो अपलोड हो जाएगी। मतलब हर चीज़ हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती ना, कहीं पे सुकून है
तो फैसिलिटी नहीं, यहाँ फैसिलिटी है, वहाँ सुकून नहीं। तो भैया जी चलो फाइनली अपना वीडियो अपलोड हो गया, अब मुझे जाना है यहाँ से भवाली मार्केट। भवाली मार्केट जाके ना नानी के लिए मुझे पनीर लेके आना है, नानी को अपने हाथ से पनीर की पकौड़ी और नाना जी के लिए बाटली लेके आनी है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं ठेके में कैसे जाऊँगा, और एक तो हर कोई पहचानता है मेरे को, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, कोई अगर पहचाने का तो फिर देखा जाएगा। भाई एक अच्छा काम और हो गया, मैं हेलमेट लेके नहीं आया था, मामा जी की दुकान में मुझे हेलमेट मिल गया। हेलो भाई, मैं पहुंच गया हूं भवाली के बाजार में, और गाड़ी मैंने यहां पर खड़ी कर दी। अब पता है सामने आपका ठेका है, आपका लिखा इंग्लिश वाइन बियर एंड शॉप सामने लिखा है, वहां बहुत भीड़ लगी है। मैं सोच रहा हूं कि जब वहां खाली हो जाएगा ना तो फटाक से जाऊंगा और लेकर आ जाऊंगा। तो एक बार पहले खाली होने दो उसको, फिर चलते हैं वहां पर। गाड़ी खड़ी करी, दो तीन लोग यहां पर आए, बोले आप रोहित पहाड़ी, रोहित पहाड़ी, और उनके सामने मैं गया भी नहीं, थोड़ी देर वेट कर लिया। चलो मैं वाइन शॉप की तरफ जा रहा हूं, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें शर्माने लगी बात है पीने जी। देखो ऐसा है, डरते डराते शर्माते मैं यहाँ तक पहुँच गया। भैया जी आपने क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश करूंगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, दुनिया को खुश रखते हैं, जिंदगी जिनकी जिंदगी में बहुत दुख पड़ चुका है आप उनकी जिंदगी में खुशियां लाते हैं। भगवान करे दोबारा कभी ना आए आपके पास, लेकिन आज ठीक है, तो इसको छुपा कर लेके जाता हूँ यहाँ से, और कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करेगा रोहित पहाड़ी तुम्हें क्या दिखा रहे हो, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, चलता हूँ देख कितना चौड़ा होकर निकल रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि दो घूट लगने के बाद आदमी किसी से डरता है, मैं तो बोतल मैंने अपने बैग में कर रखी है, किसी के आपसे डर लग रहा। जी चलो नाना जी का सामान ले लिया, अब जाना है मुझे मार्केट में, मॉल में नानी का सामान लेना। चलो भैया मैंने नानी के लिए भी सब कुछ सामान खरीद लिया, अब फटाफट से नानी के पास पहुंचते हैं। भाई जी फाइनली आपका मैं पहुंच गया अपने घर पे, मतलब अम्मा के घर पे, नानी के घर पे। और आज तो भाई ये वाली नानी के घर का रास्ता देखो कैसा है, यहाँ पे ना ऐसे गेट होते हैं हमारे वहाँ पहाड़ों में लकड़ियों का, ये इसलिए मतलब ताकि गाय भैंस ना आ जाए, कोई जानवर खेत को नुकसान ना करे। भाई कितने पतले रास्ते, देखो हल्का सा पैर फिसला तो सीधे खाई में जाऊंगा भाई सब मैं। नानी, ओ छोटी नानी, लेकिन मेरी एक छोटी नानी और है, मेरी मम्मी की दोस्त, और यहाँ क्या कर रही, घर के अंदर बैठी है बिस्तर के अंदर। नमस्कार, प्रणाम। ओ बाप रे, ये प्यारी प्यारी को नीनू नीनू करा रहे हो? भाई जी छोटी वाली नानी से मिल लिया, अब चलते हैं अपनी नानी के पास। हमारी नानियों के बीच में ना घर के बीच में कम से कम एक एक किलोमीटर का फासला है, और रास्ते देखो अब कैसे हैं। भाई जी आ गया घर और नानी ने देखो आग जलाने का जुगाड़ कर दिया। ये जो आपका चीड़ के पेड़ में वो होते हैं ना ठीठे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? ठीठे। इसको ना ये आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो लो देखो भैया आग पकड़ ली। पकौड़ी बनाने के लिए पहले लकड़ी फोड़नी पड़ेंगी हमें, मामा के साथ चलते हैं लकड़ी फोड़ते हैं थोड़ी बहुत रात के लिए, क्योंकि यहाँ ना डेली डेली लकड़ी फोड़ के रात को कहते हैं चूल्हे में बनाते हैं कि हमारे घर में लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे, तो हमारे घर में भी पहले ऐसे ही बनते थे भैया। भैया जो अभी लकड़ी फोड़ी थी ना, अब उससे हमने आग वाग जला दी है, रात को आग सेकने का काम आएगी। और अब क्या हालत होगी भाई, तब में बारिश की शुरुआत हो गई है, देखो भाई कितनी तकड़ी बारिश हो रही है, बस पूरी रात ऐसी बारिश चलते रहना तो सुबह बर्फ गिर रही है। भाई जी ये बेसन की जो पालक और प्याज की पकौड़ी का तो मैंने मसाला तैयार कर दिया, ये पनीर की पकौड़ी के लिए अलग से, पहले पनीर की पकौड़ी निकालते हैं ठीक है, कैसी बनेगी, मैंने आज से पहले बनाई नहीं है। बढ़िया, कैसी हो रही पकौड़ी? वो बढ़िया हुई, मैं पकौड़ी खा रही हूँ। तो भाई जी पकौड़ियाँ तो बना दी हमने, पनीर की नानी को भी खिला दी, नानी को खिला दी बढ़िया तरीके से। अब टाइम है इस चूल्हे में भाई पनीर की सब्जी बनाने का, क्योंकि पनीर भी लाए थे तो पनीर बनाते हैं अपने हाथ से आज, मामा मामी नाना नानी को सबको खिला। आप लोगों ने कभी ऐसे लकड़ी वाले चूल्हे देखे हैं? दिल्ली वालों ने देखे होंगे बात अलग है, लेकिन भाई जो पहाड़ से जो गाँव से उनको पता होगा कि भैया इस चूल्हे की रोटी और चूल्हे की सब्जी की जो बात है ना वो बिल्कुल अलग है। मैं तो उत्तराखंड के नैनीताल के पास से हूँ, आप उत्तराखंड में कहाँ से या कौन से पहाड़ से मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो। लोहे की कढ़ाई में बनना थोड़ा काला बन जाएगा, कोई बात नहीं, काले हैं पर क्या हुआ दिल वाले। कढ़ाई पनीर, हाँ ये कढ़ाई पनीर एक्चुअल में यही होता है। तो भी नानी का प्यार क्या होता है आपको क्या ही बताऊँ, मैं वहाँ पनीर बना रहा हूँ नानी के लिए, और नानी यहाँ बैठ के ना सगड़ बोलते हैं ना सगड़ चूल्हा, उसमें ना मेरे लिए आलू सेका है, पता है बचपन में आपने शायद कभी खाया होगा। किसमें नानी ने आलू डाला कच्चा आलू, और 20 मिनट बाद इसमें से आलू पक के निकल गया। बड़ा छोरा मैं, मेरे बचपन में बहुत कहता है मेरी अम्मा खिलाती थी, बोल दिया हाँ मुझे ना खाए कभी ऐसे राख वाले आलू, खाना भी नहीं। तो भाई अभी खाना भी नहीं खाया है नानी ने, और अपना बिस्तर लगाना शुरू कर दिया। तो भाई मेरे मामा जी का बेटा है ना, वो कह रहा है मेरा वीडियो बनाओ, तो मैंने बोला पहले मुर्गा बनना सीखो। कैसे बनना मुर्गा? ऐसे नहीं पकड़ते, यहाँ से हाथ डालते हैं, इन पैरों के बीच से हाथ डालते हैं, हाँ निकाल पैरों के बीच से पकड़, कान पकड़, कान पकड़, कान पकड़, हाँ यहाँ से अंदर से कान पकड़, अंदर से कान पकड़, हाथ नहीं पहुँच रहा, कान कान पकड़, नीचे से हाथ डाल, इस हाथ को ना जैसे ये हाथ नीचे से निकाला है वैसे निकाल, फिर पकड़, कान पकड़, नहीं पहुंच रहा हाथ,
तो भाई देखो ये छोटा सा बच्चा है और ये मुर्गा नहीं बन पा रहा। और सोचो भाई साहब जब हम छोटे थे ना हमको आधा आधा घंटा मुर्गा बनाया जाता था भाई साहब। और पता जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे झुकते थे पैट हमारी बम में एक डंडा मारा जाता था ना, फिर खड़े, फिर थोड़ी देर बैठते फिर खड़े। भाई खाना वाना खा लिया है और मेरा बिस्तर यहाँ पर लगा दिया नानी ने, तो आज रात में यहाँ सोने वाला हूँ। पता है बर्फ़ गिरने वाली है जिसकी वजह ना कंबल वंबल सब कुछ बिछाया रानी ने गरम गरम सा। लो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और आज के ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।